मंच के माध्यम से आदेश मिला है कि अपना जो भी गीत गाना चाहते हैं आ सकते हैं। स्वागत है आपका, आइए एक मिनट फिर सुनते हैं। अंबर से आई है परियों की रानी, क्या बात है, कैसे से कैसे से बहुत सुंदर रात, क्या ये है बहुत सुंदर, सबको हैरानी, सुंदर सा मुखड़ा है फूलों के जैसा, होगा ना दुनिया में कोई ऐसा, कितना सीधा कितना सच्चा मेरा, मुझको तो अच्छी लगती है तेरी हर नादानी, मुझको तो अच्छी लगती है तेरी हर नादानी, सबसे प्यारा मेरा यारा राजा हिंदुस्तानी, कितना प्यारा कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया, जी कर देखता रहूं कितना सोना तुझे रब ने बनाया, जी कर देखता रहूं तुझे रब ने बनाया, जी कर देखता रहूं। और ये इसी कड़ी में परमाणी हमारे भैया अमर बच्चा भजन मंडल शोभापुर आरा किस वस्त्र से बना था, ठीक है प्रयास करेंगे। आपकी ओर से 50 मुद्राएं आई हुई हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। सुनेगा एक बात इसमें आ रही है, मानस में पूज्यपाद गोस्वामी जी ने लिखा है कि कहां हूं कहां तक नाम बढ़ाई, और राम न सकहिं नाम गुण गाई। भगवान श्री राम जी की बड़ाई का उल्लेख कहां तक करूं, उस नाम में इतनी बड़ी शक्ति है। अब देखो हुआ क्या, पूरी रामचरितमानस में दो कौवे आते हैं, एक आते हैं कागभूषुंड जी और एक आते हैं जयंत जी, दोनों कौवे हैं। अब देखो दोनों कौवे में विशेषता क्या है वह मैं बता रहा हूं आपको दो पंक्तियों में, सुनेगा कि नंबर वन पापी एक अभिशापी वर पाके, लोमस ऋषि के श्राप से कौवा हुआ वो कागभूषण, लोमस ऋषि के श्राप से कौवा हुआ तो नंबर वन का पहले पापी था वो चांडाल था। नंबर वन पापी एक अभिशापी वर पाके, क्या से क्या हो गया करिश्मा शिव अनुकंपा के,
कौवा जो चांडाल था भगवान शंकर रामचरितमानस सुनने जा रहे हैं। तो नंबर वन पापी एक अभिशापी वर पाके क्या से क्या हो गया करिश्मा शिव अनुकंपा के। नंबर दो अपराधी बन प्रभुता पा मदमा के। घमंड हो गया कि मैं तो देवराज इंद्र का पुत्र जयंत हूं। तो नंबर दो अपराधी बन प्रभुता पा मदमा के और चांडाल पक्षी बन चोट की आंचल पे मा के। माता जानकी के चरणों में प्रहार किया कि ये ब्रह्म कैसे हो सकते हैं जो अपने पत्नी को अपने जंघे पे लिटाया हो। उसको शंका हो गई जयंत को। तो चांडाल पक्षी बन चोट किया चल पे माके। तो एक ही कौआ श्राप पाके दूजा कौआ स्वेच्छा के। एक कौआ काकभूषण तो श्राप से कौआ बने लेकिन ये जानबूझ के कौआ बन रहा है जयंत। तो एक से शिव जी कथा सुने भगवान शंकर हाथ फेर रहे हैं। तो एक कौवा के ऊपर राम का बाण चालू। तो एक था कौवा राम भक्त कहता था राम कहानी और एक ने राम विरोध किया तो आग हो गई काली। कबाड़ मारा सबसे आर्थिक कौवा का एक ही आंख दिखाई पड़ता है एक आंख से काना है। बहुत अच्छे महाराज। तो एक था कौवा राम भक्ति हो एक था कौवा राम भक्ति कहता था राम कहानी और एक ने राम विरोध किया तो आंख हो गई काली। कितनी शिव की रानी शिवा बनी सिया रानी। शिवा सिया तभी पहचान नहीं पाए। तो शिव की रानी शिवा बनी सिया रानी क्या करे कल्पना कोई। कितनी सोड़ी सिया राम की